जा रही है अपने घर, तो मैं उनको ले जा रही हूँ घुमाने के लिए वाटर पार्क। तो आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता कि आप कहाँ चले जाएंगे, क्या घूमेंगे, तो इसलिए हम सब लोग मिलके वाटर पार्क जा रहे हैं। और आज मेरे आए हैं छोटे वाले नंदोई जी आए हैं, तो उनसे भी आप पहली बार मिलेंगे और फर्स्ट टाइम आज मम्मी भी जा रही है वाटर पार्क में। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आज एक्चुअली सुबह सुबह अचानक से भैया आ गए और उन्होंने बताया नहीं उनको आगे लेने के लिए, बाबू को बहुत ज़्यादा दिन रुकने भी नहीं दिया। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और बस हम लोग निकल रहे हैं वाटर पार्क के लिए। गुड मॉर्निंग, मैं उन्हीं श्रेष्ठ हो गया, मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सैल्यूट। गाइस अभी बस सम्राट का बर्थडे कल ही है और आज से ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो गया हम लोग। जो है बुआ भी नहीं खड़े रहेगा, ठीक सुबह नीचे उतर रहे हैं। तो अपनी आदत से मजबूर युवराज मेरा फ़ोन लेकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए, और बस हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। तो भैया अभी हमारे साथ में हैं, आगे की सीट पर हैं, ये ड्राइव कर रहे हैं, भैया बगल में बैठे हुए हैं और ये राघव जी अपना कांड करते हुए कुछ ना कुछ। तो बस हम लोगों को नेपाल जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं जहाँ पर रहती हूँ बस नेपाल आप एक घंटे में, हाँ एक घंटे से भी कम टाइम में आप नेपाल में आप चेकिंग कर लेते हैं, और उसके बाद में जो भी 15-20 मिनट पेपर वर्क का हो लगता है। मम्मी तनु बाबू और ये गाड़ी आगे निकल चुकी है और मैं एक स्टाफ और तीनों बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं और भैया भी आगे बैठे हुए हैं, ये ड्राइव कर रहे हैं। तो ये रही हमारे साइड में दूसरी कार, वो रही मेरी बाबू ननद और मम्मी हाई करते हुए। फर्स्ट टाइम मम्मी जा रही है, मम्मी बहुत एक्साइटेड है वाटर पार्क जाने के लिए। तो एक्चुअली वो चल नहीं पाती ना, उनको अर्थराइटिस है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी थी, इसलिए मम्मी भी जा रही हैं। और हमारा पेपर बस अब चेक हो चुका है और हम बस निकल रहे हैं वाटर पार्क के लिए। तो एज़ यूजुअल जो जैसा कि आप जानते हैं बॉर्डर पे सिक्योरिटी होती है और बच्चों ने प्लेन देखा तो वो प्लेन चिल्लाने लगे। खाने पीने का तो अंदर से अलग से टोकन मिलता है ना, ये ले रहे टिकट भाई बाबू। राम राम का तो गाल को लाल हो गया, हवा चलेगी हवा चल। तो यहाँ पर हमने अपनी टिकट ले ली थी और बस हम लोगों की टिकट मिलने वाली, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग थे इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था टिकट के लिए।
फाइनली शाम के 6 बज चुके हैं जो कि यहाँ का क्लोजिंग टाइम होता है, और हम लोग यहाँ पर करीब 1 बजे के आसपास आ गए थे, और उसके बाद से लगातार हम पानी में है, मस्ती कर रहे हैं। तो बस अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, बच्चों को रास्ते में कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक्स खिला देंगे और डायरेक्ट हम घर ही पे जाएंगे। यूवी सम्राट के डैडी को कैसा लगा? इनको इस बार बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग लास्ट टाइम जिसमें आए थे वो तो हैप्पी वर्ल्ड और ये है वंडरलैंड, और ये सेम नेपाल में 2 वाटर पार्क है, तो इस बार हम दूसरे वाटर पार्क में आए हुए हैं और अच्छा लगा। हम पिछले वाले वाटर पार्क में मुझे कम अच्छा लगा था, इस वाले वाटर पार्क में मुझे बहुत अच्छा लगा। और राघव पानी में नहीं गया था, राघव को स्टाफ देख रहा था, और मम्मी राम जो मेरी छोटी ननद का बेटा है मम्मी उसको देख रही थी। तो 2 बच्चे पानी में नहीं गए थे और मम्मी भी नहीं गई थी और स्टाफ भी नहीं गया था, लास्ट टाइम स्टाफ गया था। अच्छा, तो ड्राइव ये कर रहे हैं, आज ड्राइवर नहीं लेकर आए हैं क्योंकि इनको बहुत लंबी दूरी ड्राइव करना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, ये थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ड्राइवर ही लेकर चलते हैं। बट नेपाल बहुत पास में है हमारे सिटी के, तो यही ड्राइव करके। एक गाड़ी पीछे आ रही है जिसमें मम्मी है और भैया है, आते समय भैया हमारे साथ थे बट जाते समय वो अपनी गाड़ी से हो गए हैं, और मम्मी भैया का ड्राइवर और बाबू है मेरी तनु बाबू, मैं उसको बाबू बोलती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है वो मुझसे बहुत छोटी है तो मैं उसको स्टार्टिंग से ही बाबू बोलती हूँ, इसलिए बाबू ही निकलता है। उसका रियल नेम तनु है और छोटे वाले भैया का नाम विशाल है, तो बहुत अच्छी जोड़ी है तनु विशाल। बहुत जोरों की भूख लगी है और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, अभी हम सिटी में ही हैं तो देखते हैं कहीं पे कुछ अच्छा सा मिले खाने के लिए। तो नेपाल आए हैं, ये देखिए आप लोग दर्शन कर लीजिए, ये है बागेश्वरी माता मंदिर, इधर से ही बागेश्वरी माता मंदिर जाने का रास्ता है, यहाँ से रास्ता है बागेश्वरी माता मंदिर जाने का। तो अगर जिसको मंदिर जाना हो, दर्शन करना हो तो वो उधर से जा सकते हैं, हमें नहीं जाना है क्योंकि दर्शन करना हो तो आपको बहुत जल्दी आना पड़ता है, आप 8 बजे नेपाल आकर पहुँच जाइए, फिर आप वाटर पार्क का भी मजा ले सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं, बट अभी लेट हो गया। और बेसिकली तो नेपाल में अगर आप आए हो तो अगर आपने यहाँ के मोमोज नहीं खाए तो आपने क्या खाया, तो बस अभी हम वही ढूंढ रहे हैं मोमोज। मोमोज हम सब ने खूब पेट भर के खा लिया और बच्चों ने साथ में ये बादाम शेक भी पी लिया और सबका पेट पूरी तरीके से फुलफिल हो गया था, और बस अब हम जल्दी से घर पहुंचना चाह रहे हैं फटाफट से और फिर सो जाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं। और बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक का मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर हिट करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो तब तक फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे।